Hey guys, हम यहाँ पे वेटिंग रूम पे आए थे नहाने के लिए, तो यहाँ पे पानी की सुविधा है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे पानी बंद है। अश्विन ने बहुत जाके स्टेशन के बाहर भी छान मारा, कहीं पे पानी मिला नहाने के लिए? कोई सुविधा है स्टेशन के आसपास? कहीं नहीं है। आप कृपया करके कोई होटल बुक करके ही आए प्लीज। तो अभी हम ऑटो से जा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे एक छोटा सा रूम बुक रखने वाले हैं। स्टेशन में तो पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ लेडीज रूम में जो वेटिंग रूम था उसमें पानी आ रहा था। तो हमने बहुत ट्राई किया, आसपास कोई नहीं। तो आप भी आ रहे हैं तो कृपया मंदिर के आसपास ही के होटल या गेस्ट हाउस रख लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और स्टेशन से आपको मंदिर जाना है तो सिर्फ लोकल जो रेंट है ये ऑटो का सिर्फ 20 रुपीज़ है, यानी 20 रुपये है पर पर्सन का। तो ये हमारे भाई साहब लोग सब रेडी हो गए हैं टी शर्ट पहन कर। हमारा ब्रांडिंग का ब्रांडिंग दिखाओ भाई। ये देखिए रमेश भाई का ब्रांड, इसका नहीं दिखेगा पर दिखा देंगे। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे, मैंने ये वाइट येलो कुर्ता पहना है। तो भाई साहब की शादी में मैंने लिया था हल्दी में, पर कुछ कारणों इस साल मैं पहुँच नहीं पाया, सॉरी। तो आज मैंने वैन लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से होटल से सीधा, जो होटल हमने ली थी 800 रुपये में पड़ा था पूरा एक दिन के लिए। और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा मंदिर की तरफ। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, हम चल के जा रहे हैं। और आसपास का कैसा मार्केट है द्वारका का, ये भी आपको कैप्चर करके मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। आप हमारी वीडियो पे बने। तो आप पीछे देख रहे हैं यही है द्वारकाधीश का टेम्पल। तो हमने दर्शन कर लिया है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट भी अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन तक अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है। हो सके तो आप कहीं पे होटल पे रुके तो वो सामान वहीं पे आप रख दीजिए, सिर्फ बस लेके आप जाइए। वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउड नहीं है। तो आप अंदर जाके एक दर्शन करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक अंदर से एक एनर्जी मिलेगी। तो आप भी आइए यहाँ पे द्वारका और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी इधर आके दर्शन करना चाहिए। जय द्वारका।